हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू आर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और यहाँ पे हम आए सिर्फ एक टॉपिक को लेके, जिस टॉपिक की डिस्कशन बहुत जरूरी है। एज पर द स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सर क्लियर नहीं हो रहा, बुक्स में बहुत ही गड़बड़ लैंग्वेज हुई है एंड वी आर नॉट एबल टू कॉपी। तो ठीक है, वी डू हैव दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि लग रहा है कि कल ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे पहले डिस्कशन करते हैं हम द यूएन कन्वेंशन 2006 फॉर द पर्सन्स विद डिसएबिलिटी। इससे पहले कि हम इस पूरी वीडियो क्लास को वॉकआउट करें या बोर्ड पे जो आपके लिखे हैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ डिस्कशन जरूरी है रिगार्डिंग द यूएन कन्वेंशन 2006। इसकी बिगिनिंग 2006 में नहीं हुई थी, इट बीन स्टार्टेड विद द यूएनसीआरपीडी। व्हाट डज मीन बाय द यूएनसीआरपीडी? इट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटी। सर यहां पे इसका फेस हमें याद है, दैट मींस स्टार्टिंग 1981 टू 1992, ये फर्स्ट टाइम था जब डिस्कशन की गई थी फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल रियली सफरिंग विद डिसएबिलिटी। यहां पे उन सब लोगों की बात की गई थी जो लोग डिसएबिलिटी सफर कर रहे हैं, जिनको बराबर राइट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको अवॉइड किया जा रहा था, उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा था, उनके ऊपर कोई काम नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम यहां पे यूनाइटेड नेशंस ने ये बात उठाई थी, जिसके लिए कई देश सामने आए थे और आके अपने अपने प्रोविजन दिए थे, जहां पे अलग अलग टर्म्स निकले थे और कई बार इस मुद्दे को उठाया गया था। इन 1982 देन वी डू हैव इन 1987 यहां पे प्रोविजन रखेगा यूएन के अंदर, इस रेजोल्यूशन को पास भी किया गया, लेकिन किन्हीं वजहों से इसको दबा दिया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ह्यूमन राइट्स में सारी बातें कह दी गई। लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ती गई और फाइनली इन 2006 ये एक शेप लेके यूएन कॉन्वेंशन 2006 फॉर द पर्सन विद डिसएबिलिटी के रूप में सबके सामने आई। अब जब हम इस आंसर को लिखते हैं तो आंसर में वो आपको डेफिनेटली ये नहीं पूछने वाला यूएनसीआरपीडी, वो अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता और आप इसको एड ऑन करके आप डिफाइन करते हैं दैट इट बिगिंस इन दैट इरा, तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। देन सेकेंडली, जब आप इस आंसर लिखें तो आपने क्या क्या मेंशन करना है। तो गाइस, सबसे पहले इट वाज एडॉप्टेड ऑन 13 दिसंबर 2006 एट यूएन हेडक्वार्टर्स, ये हमें अच्छे क्लियर है, इन न्यूयॉर्क। इट वाज प्रपोंडेड फॉर द सिग्नेचर ऑफ 30 मार्च 2007। सर व्हाट डज मीन बाय द सिग्नेचर? यहां पे जो भी मेंबर होते हैं अगर वो उस चीज को लेके एग्री होते हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन यहां याद रखना कि खाली सिग्नेचर करने से आप उस लॉ को फॉलो अप नहीं करें जब तक कि आप उसको रेक्टिफाइड नहीं करते। रीजन, देयर वर 82 सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, 44 सिग्नेटरी टू बी रिक्विजिट ऑप्शनल प्रोटोकॉल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द कन्वेंशन। रेक्टिफिकेशन मतलब कि उस स्टेट की या उस नेशन की जो गवर्नमेंट है जिसने साइन किया है वो उसको अपने देश में अप्लाई भी करेगी। और इसके लिए पहली कंडीशन दी गई थी कि कम से कम 20 ऐसे देश होने चाहिए जो उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। अगर ये 20 देश, कम से कम 20 ऐसे नेशन उसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो इसको एक लॉ बना दिया जाएगा और यूएन इसे इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो कराएगी। तो यहां यही हुआ, द कन्वेंशन एंटर इंटू फोर्स ऑन 3rd May 2008। यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। अब पहले जाना जरूर था कि कम से कम 20 देश ऐसे होने चाहिए रेक्टिफाई करने से। सेकेंडली, 1st October 2007, आपको याद रखनी है, द 1st October 2007 वाज रेक्टिफाइड बाय इंडिया। इंडिया ने इसको 1st October 2007 में रेक्टिफाइड किया। अब इसके अंदर किन किन प्रोविजंस को बताया गया या कौन कौन सी बातें एड ऑन की गई, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहां तक आप लोग समझ गए यूएन कॉन्वेंशन क्या है, 2006 में क्या अडॉप्ट हुआ, क्या क्या चीजें बोली थी। इसमें याद रखना है दो पार्ट में, फर्स्ट पेपर जिसके अंदर 25 पार्ट्स हैं जो कि बताते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कि इस पूरे कॉन्वेंशन में किन किन चीजों पर ध्यान देना है, सच एज जो भी डिसेबल्ड या चैलेंज हैं उनको इक्वल राइट देना चाहिए, एजुकेशन में उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इन्हें इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी अवॉइडेड, उनके लिए अलग प्रोविजन होना चाहिए हर जगह, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से एक अलग प्रोविजन क्रिएट करके दो स्पेशल डिसेबल्ड चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स या पर्संस हैं उनके वो सारे राइट्स उनको मिलने चाहिए जो अभी तक किसी ना किसी डिस्पैरिटी या डिसएबिलिटी की वजह से उनसे दूर की जा रही। तो इनकी इंप्लीमेंटेशन हर नेशन को ऑन दैट टर्म करनी पड़ेगी। एंड देन वी आर हैविंग, तो ये 25 पार्ट्स तो हमें बताते हैं कि इसमें कौन क्या था।
उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जिधर 50 आर्टिकल्स से आर्टिकल क्या करते हैं ये इक्वल ऑपर्चुनिटीज की बात करते हैं इक्वल वैल्यूज फॉर दीज डिसेबल्ड पीपल एंड अलोंग विद दीज देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मेंशन करने हैं सर यहां पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हमें याद करने पड़ेंगे तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी राइट्स पढ़े किनके चैलेंज्ड या मेंटली रिटार्डेड या सर कोई भी वो सारे के सारे राइट्स यहां ऑब्जेक्टिव्स ना सकते हैं सेकंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो भी प्लान बनाएंगे जो भी लॉ कन्वेंशन में फॉलो किए गए उनको पूरी तरह इंप्लीमेंट करना इन 50 आर्टिकल्स में अगर आप देखते हो फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे के सारे आर्टिकल्स अलग अलग वैल्यूज को पास ऑन करते हैं तो क्या आप एग्जाम में ये 50 आर्टिकल्स लिखेंगे नो इट्स नॉट इन पॉसिबल हाँ आप एग्जाम में जरूर डिफाइन करेंगे द ट्रेम्बल दैट इन 25 पार्ट्स देन विद द आर्टिकल द 50 आर्टिकल्स दैट टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन वो हमें हाईलाइट करना है देन वी नीड टू मेंशन द सर्टेन पॉइंट्स सच एज द इक्वल एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड द ऑल दोस टर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दीज पीपल हमें वो सब मेंशन करना है Along with this, we're going to have now the says that in April 2018 we have 161 signatories जिन्होंने इस convention को sign कर दिया in the world. तो आपने कहा सर अगर इनको parties में दिलूं तो 177 parties आ गया जिन्होंने इसको पूरी तरह workout कर लिया और इसको follow कर रही. तो ये सारी बातें हम दिमाग में रखेंगे तो अगर इसको read किया जाए या थोड़े से time में इसको sum up करना हो तो हम क्या क्या चीज आएंगे यूएन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन क्या है उसके चेंजेस क्या है पहला तो हम समझे यूएन कॉन्वेंशन हुआ गया सर बहुत पहले से एक मीटिंग चल रही थी जिसको फॉलो करके फाइनल स्वरूप दिया गया वो दिया गया कब दिया गया सर 13 दिसंबर 2006 तो कुछ डेट्स को आप लोग दिमाग में रखेंगे ये आपके बहुत काम आने लगे तो 13 दिसंबर 2006 जब इसको अडॉप्ट किया गया 30 मार्च 2007 जब इसके सिग्नेटरी को ओपन किया गया एंड देन वी डू हैव द सर्टेन पॉइंट्स रेक्टिफाइड किया गया और फोर्स में कब आया 3 मई 2008 तो फोर्स में आने से पहले पहले इंडिया इसमें साइन कर चुका था एंड दैट वाज द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2007 तो हम उन देशों में थे जिसने इसको रेक्टिफाइड किया कि हम चाहते थे कि इसको पूरी तरह अप्लाई किया जाए और उसी के बाद इंडियन स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिसेबल्ड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह हमारे इकोनॉमी हमारे नेशन में इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस इन 2006 फॉर द पर्सन डिसेबल्ड एंड चैलेंज पीपल हमें इन चीजों को दिमाग रखना था तो गाइस दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो अगर इनकी ड्यूटीज और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो जैसे मैंने बोला यहां पे इन द आर्टिकल्स ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन व्हाट डज मीन बाय द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन सर चीज को कैसे अप्लाई किया जाएगा इन अ परफेक्ट वे ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड हो सच एज अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हो तो अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे जिनमें मैंने इंक्लूसिव स्कूल की बात की या मैंने होल स्कूल की बात की तो होल स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल को अचीव करने के लिए हमें वो सारी ड्यूटीज और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम सबको इक्वल एजुकेशन दे पाए तो इट्स एन इजी पार्ट बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर कि चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना है और हम क्या क्या बताएंगे तो अगर हम यहां से आंसर को शुरू करते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करते आते हैं और बाद में हम उनकी इंपॉर्टेंस उनकी एजुकेशन उसके ऊपर क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये सब वन बाय वन सीरियल में एक्सप्लेन करते हैं तो वी डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन होपफुली आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पूरा रजिस्टर उतार लें और इसके बाद आपके जो भी बुक है जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को रीड करें बाय कीपिंग दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड यू आर गोइंग टू क्लियर दिस क्वेश्चन गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट देन आई विल टेल यू वन मोर थिंग एंड वी विल एंड अप दिस वीडियो प्लीज सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब आते हैं फाइनल टॉपिक दैट इज
कि इस आंसर को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका आना चाहिए, दैट इज यू मस्ट नो हाउ टू मेक योर ओन आंसर। इसकी हेल्प लेके जो बोर्ड पे है अलॉन्ग विद जो बुक आपके पास, जो मैटेरियल भी आपके पास है, उसको रीड करके एक आंसर फॉर्म करके अभी लिख लीजिए और उसी को पेपर में ऑन टिप कर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप मैंने थोड़ी हेल्प की होगी यहां से ताकि आप ये समझ पाए। बाय गाइस।